हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस के ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपका इस क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अवश्य समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि मैं ज्यादा जल्दी नहीं करता हूं। मैं एक एक पॉइंट्स लेकर के आपको डिटेल से पढ़ाता। तो बेटा, पेन पेंसिल बुक नोटबुक लीजिएगा और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा मेरे साथ में। आपको पता हो तो हमने पिछली ही क्लास में एक नया चैप्टर शुरू किया था, चेंजेज अराउंड अस। क्या किया था? 6 नंबर का CHANGES, चेंजेस ARONDS अराउंड अस, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यही किया था ना शुरू। वो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। इंट्रोडक्शन क्लास में कि मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, ये सारा मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो। तो हमारे को सबसे पहले थोड़ा सा देखो, मैंने इंट्रोडक्शन आपको कैसे कराया था, पूरे चैप्टर के बारे में बताया था कि पूरे चैप्टर के बारे में हमारे को क्या पढ़ना है। अब मैं आपको एक एक टॉपिक लेकर के, पहले हमारे को वापस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि जो अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं ना, हम चेंजेस पढ़ रहे हैं तो हमारे चारों ओर में अलग अलग प्रकार के कौन कौन से चेंजेस होते हैं ना मिक्स के अंदर, जो स्लो भी है, फास्ट भी है, रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी है, ऐसे सारे मिक्स में पढ़ रहे हैं। फिर अलग टॉपिक उठाएंगे कि चेंज का परिवर्तन क्या होता है, फिर अलग उठाएंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फर्क होता है, फिर स्लो और फास्ट में क्या होता है, फिर फिजिकल केमिकल में क्या डिफरेंस होता है, फिर लास्ट में पढ़ेंगे कि ये होल स्थान अपना कैसे लेते हैं, यानी परिवर्तन होता कैसे है, यानी कैसे होते हैं। अगर जैसे आप कोई किसी चीज को गर्म करते हो तो परिवर्तन होता है, अगर आप उसको ठंडा करते हो तब परिवर्तन होता है, आप किसी चीज को ऐसे दबाते हो तब परिवर्तन होता है, खींचते हो तब परिवर्तन होता है, ऐसे कि कैसे होता है, होता कैसे परिवर्तन, ये पढ़ना है। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वापस चैप्टर का देखिएगा। एवरीथिंग इन द नेचर अंडरगोज ए चेंज, यानी प्रकृति में प्रत्येक वस्तु एक परिवर्तन से गुजरती है। ये जो प्रकृति है, ये जो कुदरत है, उसमें प्रत्येक वस्तु एक परिवर्तन से गुजरती है। वी ऑब्जर्व मेनी चेंजेस अराउंड अस इन अवर डेली लाइफ, यानी हम हमारे दैनिक जीवन में, हम हमारे दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर कई प्रकार के परिवर्तनों को देखते हैं। बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं हम हमारे जीवन में, हमारे चारों ओर में, उन सब की बात करेंगे आगे। वी कैन ऑब्जर्व इट एट अवर होम, यानी उसका, उसको हम हमारे घर में भी देख सकते हैं। ये परिवर्तन होते हैं, इस परिवर्तनों को हम दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, हमारे को कोई फॉरेन नहीं जाना है कि ये बेटा परिवर्तन कहाँ होता है, हमारे को देखने चलना है। ये परिवर्तन हमारे घर में भी हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, गार्डन में हो सकते हैं, किचन में हो सकते हैं, या प्ले ग्राउंड में हो सकते हैं। जैसे कि मैनी चेंजेस टेक प्लेस व्हेन द डे एंड्स एट नाइट स्टार्ट, कई परिवर्तन एक स्थान पर होते हैं, जैसे जब द डे एंड्स एंड नाइट स्टार्ट, ये भी एक परिवर्तन है। जैसे जब दिन पूरा होता है तब उसके बाद में रात आ जाती है, रात पूरी होती है फिर दिन आ जाता है, फिर वापस दिन पूरा होता है रात आती, ये भी तो बेटा परिवर्तन है। सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज चेंजेस, ऐसे कुछ पदार्थ हमारे चारों ओर के जो वेदरिंग के कारण, अपक्षय के कारण, किसी चीज के नष्ट होना, किसी चीज का सड़ जाना, उसके कारण भी कई परिवर्तन हम देखते हैं। विंड चेंज इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड, हवा चलती है, देखो हवा चलती है तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। कभी हवा इधर से चलती है, थोड़ी देर बाद में देखते हैं हवा इधर से चलने लग गई,
थोड़ी देर देखते हैं हवा धीरे धीरे चलती है, थोड़ी देर में बहुत तेज हवा चलने लगी, तो बेटा ये भी परिवर्तन है। एंड कुक्ड फूड गेट स्पॉइल्ड, और जो पकाया हुआ भोजन होता है, हमारे घर में बनाया हुआ भोजन होता है, सुबह का भोजन, सुबह जब भोजन बनाते हैं एकदम मस्त रहता है, फ्रेश भोजन रहता है, लेकिन हम शाम को देखते हैं कि वो भोजन बेटा बासी हो जाता है, भोजन सड़ जाता है, स्पॉइल्ड खराब हो जाता है। भोजन खराब होता है नहीं होता है? जब हम बनाते हैं तो बहुत फ्रेश होता है, अच्छा होता है, हमारे खाने लायक होता है, लेकिन शाम तक देखो तो फिर वो तो बेटा स्पॉइल्ड हो गया, नष्ट हो गया, खराब हो जाता भोजन। तो ये भी परिवर्तन है। सम ऑफ द चेंज आर बेनिफिशियल टू अस वाइल सम आर नॉट, ये भी ये सारे जो परिवर्तन होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन तो हमारे लिए फायदे के लायक होते हैं, कुछ हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं। इतने सारे जो परिवर्तन होते हैं हमारे इस नेचर के अंदर, तो कुछ तो होते हैं जिसे हमारे को फायदा होता है और कुछ ऐसे ही परिवर्तन होते हैं जिसे हमारे को नुकसान होता है। ह्यूमन बींग्स ट्राई टू एंश्योर दैट, यानी मानव जीवन यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि द बेनिफिशियल चेंज टेक प्लेस फास्टर, कि जो लाभदायक परिवर्तन है वो तो बेटा जल्दी होने चाहिए, तेजी से होने चाहिए। एंड नॉन बेनिफिशियल चेंज आर आइदर स्टॉप्ड या फिर स्लो डाउन। हम तो बेटा ऐसा ही सोचते हैं, हम खुद का बुरा थोड़ी सोचते हैं। तो मानव जीवन तो क्या सोचता है कि जो हमारे लिए फायदे के जो परिवर्तन है वो तो जल्दी होने चाहिए, तेज होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, जबकि जिसे हमारे को नुकसान होता है, ऐसे परिवर्तन जिसे हमारे को हानि पहुंचती है, हमारे को नुकसान होता है, वो परिवर्तन या तो बेटा रुक जाने चाहिए या वो धीरे हो जाने चाहिए। ऐसा ही सोचते हैं हम ऐसा ही सोचते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही सोचना चाहिए कि हमारा फायदा हो वह तो ज्यादा होना चाहिए, अगर हमारे को नुकसान होता है तो वो कम होना चाहिए, वो परिवर्तन कम होने चाहिए। थिंग्स अराउंड अस आर चेंजिंग ऑल द टाइम, वस्तु हमारे चारों ओर परिवर्तन प्रत्येक समय में हो रहे होते हैं। सम ऑफ द कॉमन चेंज वी ऑब्जर्व आर, उसमें से कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसका हम अवलोकन करते हैं, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, ग्रोथ ऑफ नेल्स एंड हेयर, खाने का पकाना, ये परिवर्तन, बालों का और नाखूनों का वृद्धि करना, ये परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, अल्टरेशन इन डे एंड नाइट, दिन और रात में परिवर्तन, जानवरों में परिवर्तन, चाहे जानवरों का ग्रोथ करना हो या चाहे प्रोड्यूसिंग बेबीज या चाहे बच्चों को जन्म देना हो, उसके बाद में कागज का जलना हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर का, कागज का जलना, वुड लकड़ी का जलना, फ्यूल का जलना, मूवमेंट ऑफ थिंग्स वस्तुओं का परिवर्तन, जैसे समटाइम्स स्लो, कभी कभी धीरे होता है, कभी कभी फास्ट तेज होता है, और समटाइम्स ए रिपीटेड मूवमेंट, और कभी कभार लगातार परिवर्तन होता है, जैसे कि टू एंड फ्रॉम मूवमेंट एज ए पेंडुलम, जैसे एक लड़की के एक घड़ी के अंदर, वॉच होते ना घड़ी, घड़ी में एक पेंडुलम होता है, वह लगातार इधर उधर हिलता होता रहता है। तो ये भी क्या है, परिवर्तन है। चेंज इन प्लांट्स, फिर पौधों में परिवर्तन, पौधों में बीज बेटा जर्मिनेशन करता, बीज का अंकुरण होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर फ्लावरिंग, उसके फूल लगते हैं, फिर फ्रूट यानी फल बनते हैं, ये सारे बेटा परिवर्तन है। इतने सारे क्या है, तो ये सारे परिवर्तन है। तो आपको फिर आगे 6.2 है कि परिवर्तनों का प्रभाव क्या कैसे पड़ता है। तो वी ऑब्जर्व दैट, हम देखते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस अंडरगोस चेंज, प्रत्येक वस्तु हमारे चारों ओर की परिवर्तन से गुजरती है। ऑल द चेंजेस हेल्प अस अंडरस्टैंड इट्स कॉज एंड इफेक्ट, और ये सभी परिवर्तन हमारे को उनका कारण और प्रभाव के बारे में समझाते हैं। हम देखते हैं, हम परिवर्तनों को देखते हैं कि जब कोई भी प्रभाव उत्पन्न होता है तब इवन चेंज हैज ए कॉज, यानी प्रत्येक परिवर्तन का एक कारण होता है, बिना कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, और दीज चेंज कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस, और ये जो परिवर्तन होते हैं यह किन वस्तुओं में परिवर्तन लाते हैं। पहला शेप में लाते हैं,
आपको होमवर्क में जो एक्टिविटी दे रखी है ना फर्स्ट, वो करना है। एचडब्ल्यू में क्या है जो एक्टिविटी दे रखी है ना नंबर वन वाली, ये करना है। पहली बात, शेप में परिवर्तन होता है, जैसे यू कैन चेंज शेप ऑफ ए बलून बाय प्रेसिंग इट, इफ यू प्रेस हार्ड एनफ इट विल बर्स्ट। जैसे अगर आप एक आकार में परिवर्तन देखोगे तो कोई गुब्बारा होता है, हवा भरा हुआ जो गुब्बारा होता है, अगर आप उस गुब्बारे को बेटा दबाते हो, हवा भरा हुआ गुब्बारा होता है उसको जब आप प्रेस करते हो, गुब्बारे को दबाते हो तो उसके आकार में परिवर्तन होता है ना, पहले गोल होता फिर दबाते हो तो वो साइड में ऐसा चौड़ा होता जाता है, तो परिवर्तन होता ही नहीं होता दबाने से। अगर आप बहुत ज्यादा दबाओगे तो इट विल ब्रस्ट, वह फट जाएगा, बहुत ज्यादा दबाओगे तो फट भी जाएगा। तो ये उसके शेप में परिवर्तन हुआ, उसके आकार में परिवर्तन हुआ, फिर साइज में परिवर्तन होता है। जैसे ए ब्लोन अप बलून इंक्रीज इन साइज, आप गुब्बारे में हवा भरो, कम हवा भरोगे तो गुब्बारा छोटा होगा, जैसे जैसे फूंक मारोगे गुब्बारा ऐसे ऐसे बड़ा होता जाएगा। तो साइज में भी बेटा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ? तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स कॉजेज अवर बॉडी टू ग्रो इन साइज, जैसे हमारा शरीर जैसे जैसे बड़ा होगा तो हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। फिर आता पोजिशन, स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसे बेटा आप एक फुटबॉल को किक मारते हो, अगर आप एक फुटबॉल को मारते हो तो वो भी क्या करती है, इट मूव्स फ्रॉम इट्स पोजिशन, वह अपने स्थान से दूर चली जाती है। फिर कलर आता रंग, इफ यू हीट ए पीस ऑफ आयरन, जब आप एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते हो तो बेटा वो काला लोहा गर्म करते हो तो लाल हो जाता है। तो देखो कलर में भी परिवर्तन होता है। फिर आता स्टेट में, अवस्था में, इफ यू हीट वैक्स, जब आप मोम को गर्म करते हो तो वो पिघल जाता है। तो ये भी देखो स्टेट में भी परिवर्तन, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था आ जाती है। वैक्स ठोस अवस्था होती है, गर्म करो तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, लिक्विड अवस्था आ जाएगी। फिर आता चेंजेज इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, अगर आप किसी गर्म कोई पदार्थ होगा तो उसकी आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन आएगा। कैसे, जैसे व्हेन वी कुक फूड, जब हम भोजन को पकाते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेक अप फूड चेंज, तब क्या होता है वो पार्टिकल्स जिसे हम भोजन बनाते हैं वो पहले कैसे थे और भोजन बनाने के बाद में वो अलग हो जाते हैं। बर्निंग वैक्स ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द पार्टिकल ऑफ द वैक्स, जो जलता हुआ मॉम होता है उसके बारे में जो भी परिवर्तन होते हैं वो वैक्स के पार्टिकल्स में परिवर्तन होता है। इन बोथ केसेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, और दोनों केसेस के अंदर, दोनों स्थितियों के अंदर एक नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार ये इतने सारे परिवर्तन होते हैं। फिर एक्टिविटी फर्स्ट है कि आपको दर्शाना है कि आउटर शेप ऑफ थिंग्स, जैसे एक रबर दे रखा, रबर को आप खींचोगे तो बड़ा होगा, उसी प्रकार एक बॉल ऑफ डब यानी आटे की ये गेंद है और एक न्यूज़पेपर है, अगर आप न्यूज़पेपर को फाड़ोगे तब अलग चेंज हो जाएगा। आप आटे को कैसा भी आकार दे सकते हो, और जो रबर बैंड होता है आप जब उसको खींचोगे तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। अब होमवर्क मैंने आपको बता दिया क्या करना है, एक्टिविटी फर्स्ट करना है, बाकी जो भी एक्टिविटी फर्स्ट टू रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सारे भी आगे जो भी कुछ हमारे को पढ़ना है वह हम हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।